ये क्या है ये? ये भाई लॉन्ग चढ़े कहलाते हैं। क्या हिसाब है ये? 150 रुपए दर्जन है। 150 रुपए किलो दर्जन है। और ये हम लोग है किस जगह पर? दिल्ली मर्केंटाइल मुस्लिम कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम मैंने पहले बता दिया, अस्सलाम वालेकुम बात में किया, लेकिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू दोबारा। और आप जहां भी रहें खुश रहें। दिल्ली मर्केंटाइल सोसाइटी। और यहां की जो फूड स्ट्रीट है, इस फूड स्ट्रीट में हम लोग जाएंगे और ये सारे लॉन्ग चिड़े बेच रहे हैं यहां पर। देखें ये क्या चीज़ है? चाट और पानी पूरी है। जबरदस्त। क्या हिसाब है? 200 रुपए दर्जन। आइए भाईजान लॉन्ग चिड़े। अच्छा ये लॉन्ग चिड़े अलग, इसका अलग नाम है या ये वही है? लॉन्ग चिड़े। लॉन्ग चिड़े क्या? ये क्या मसाले वाले थे? क्या होते हैं ये? फ्राई होते हैं। अच्छा ये फ्राई होते हैं, फ्राई वाले ये। आओ दिल्ली मर्केंटाइल कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी, जो के तारिक रोड से मुतसिली है। बना क्यों मेरे? तो दोस्तों आ गई हमारी दिल्ली मर्केंटाइल वाली सोसाइटी की स्ट्रीट। और यहाँ पर देखें एक फूड स्ट्रीट जो है ना, ये भी कहलाती है। चैनल बताते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली वाले जो है ना, पकोड़े समोसे, दिल्ली वाले तो नहीं कह सकता, लेकिन समोसे पकोड़े वही होते हैं, लेकिन इलाके का नाम होता है दिल्ली मर्केंटाइल वाले। कचौरी क्या हिसाब है? 360 रुपए दर्जन। अच्छा ये वन बाइट समोसा, जबरदस्त यार। ये क्या हिसाब है? 180 के दर्जन है। ये दुकान है साजिद। ओए होए, किसी दिन आएंगे ये खाएंगे। एक दफा हमने आपको लियाकताबाद का बताया था कि लियाकताबाद में सबसे मजेदार जो है ना कचौरी मिलती है, लेकिन यहाँ की खा के फिर बताएंगे कि यहाँ की मजेदार है या वहाँ की। ये है वो, देखो और आ गई दोस्तों। दिल्ली मर्केंटाइल सोसाइटी और गली में भी है। यही तो है भाई बाबू मिठाई वाले। ओहो हो जबरदस्त यार, भाई बाबू मिठाई वाले भी हैं यहाँ पर, देखें जबरदस्त कचोरियाँ। ओए होए होए होए, ये भाई, ओए होए भाई वाले मिठाई वाले। अच्छा भाई वाले मिठाई वाले एक साथ ये एक जलेबी, जलेबाई कितने का? ये 300 का। जबरदस्त हो गया काम। दही बड़े और दाल वाली कचौरी फ्रोजन आइटम दस्तयाब है। अच्छा फ्रोजन आइटम भी दस्तयाब है इनके पास, अंदर पड़े होंगे अभी। यहाँ पर रश लगा हुआ है। ये सब यहाँ पर ज्यादातर कचोरियाँ ही मिल रही हैं, क्योंकि कचोरी वाले ज्यादा जो है ना यहाँ पर, मेरे ख्याल से सिंधी ये दिल्ली वाले जो है ना कचोरी ज्यादा जो है ना खा रहे हैं। कचोरियाँ पकोड़े समोसे ये देखें।
और ये जो है ना, ये जलेबा बोलते हैं इसको। मैंने एक दफा बना रहा था, एक बंदा तो पठान था, मैंने उसको बोला ये क्या चीज़ है, तो बोला ये जलेबा है, इसको जलेबा बोलते हैं। हालांकि जलेबी है ये, उसको इकट्ठा कर दिया, जलेबा बोल दिया। जलेबा जलेबी यही फर्क है। हाँ, यही फर्क। उसको बड़े को जलेबा बोलते हैं ये। हाँ, ये से है कितने का? हाँ हाँ, फूड लैंड रियाद मस्जिद में, रियाद मस्जिद। अच्छा, रियाद मस्जिद है? रियाद मस्जिद रहमान का वादी के सामने। अच्छा, मुमताज किसका ये? 300 का, 240 जलेबा, 300 का। हाँ, ले लिए, लेने लूंगा ले 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 लेके जाए भाईजान, लेके जाए। तो तल जो की है वो जलेबे पड़े हुए काफी सारे, देखे सामने आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ तो बर्गर वाले हैं। यहाँ से नाश्ता किया था, याद आया कुछ? याद आया कुछ? याद आया कि यहाँ हमने नाश्ता किया था? दो तीन दफा नाश्ता किया हुआ? नहीं, वो फिर आप नहीं थे। बड़ा मजेदार नाश्ता इधर का सुबह का ना, लेकिन अभी तो रमजानों की वजह से। ओ हो, ये क्या है? आलू का पराठा। आलू का पराठा जबरदस्त, कितने का ये? 150 का। जबरदस्त यार, ये पका हुआ है, 150 का आलू का पराठा। ये कितने की थैली है? 150 की थैली है दोस्तों। दिल्ली मर्केंटाइल में जो है ना इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर दिल्ली के जो दिल्ली वाले हैं वो जो चटपटी चीज़ें खाते हैं वही जो है ना यहाँ पर दस्तयाब हैं। पकोड़े, समोसे वगैरह, रोल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ताज़ा ज़ाफ़रानी गुलाब जामुन है, बंस रोड के खालिस मूंग की दाल वाले पकोड़े, और ये इस तरह ना दाल कचौरी, सईद शीरमाल। ये मस्जिद भी है, मस्जिद कौन सी है ये? रियाज मस्जिद। ये रियाज मस्जिद भी है माशाल्लाह से, देखें इस गली के अंदर ना रियाज मस्जिद भी है। यहाँ मस्जिद के पास जो है ना आपको टोपियाँ, ये खुशबू, सब कुछ मिलेगा, ये मसवाक वगैरह। दिल्ली मर्केंटाइल सोसाइटी से जो है ना चाहेंगे इजाज़त, और ये थी दिल्ली मर्केंटाइल वाली सोसाइटी जहाँ पर हम आपको लेके आए हैं। तकरीबन रमज़ान का बिल्कुल आखिरी टाइम चल रहा है, यानी कि 27वीं शब है, तो रोज़ा खोलेंगे यहीं पे। हमारे एक दोस्त हैं वो तो थोड़े से तपे में, वो मुझे बोल रहे थे कि जो है ना रोज़ा यहीं पे रखना है, यहीं पे खोलना है। मैंने उनको बोला कि रोज़ा घर पे खोलेंगे, तो वो बोल रहे थे नहीं नहीं आज यहीं पे खोलेंगे रोज़ा। तो मैंने बोला देखते हैं अगर टाइम हुआ तो, टाइम हालांकि बहुत है, बहुत टाइम है। तो दोस्तों फिर यहीं से चाहेंगे इजाज़त, दिल्ली मर्केंटाइल सोसाइटी। ये थोड़ा बताएंगे इस बारे में कि ये कब से बनी? ये नहीं बता। जबरदस्त। चले दोस्तों यहीं से चाहेंगे इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं और अगले किसी पॉइंट पर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। केले क्या हिसाब है उस्ताद जी? 180 का। जबरदस्त हो गया। पपीता 150 का पपीता है।
ये है दिल्ली मर्केंटाइल सोसाइटी, ये दिल्ली मर्केंटाइल सोसाइटी ब्लॉक नंबर 3 है ये, अब्दुल खालिक अब्दुल रजाक स्ट्रीट है ये। लंदन में तू बराह राज जा रहा है, तेरी फिल्म बन गई, तू लंदन में सिर्फ जा रहा है। हाँ हाँ, ये तो वही तुम्हारा वही मुराद लग रहे हैं। हाँ, ये तेरा वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है। हैं वही मुराद के बाद यही है, लेकिन वही मुराद तो वो अदाकार था, ये मछली बेच रहे हैं। अदाकार है, अदाकार नहीं होता क्या? अच्छा, यानी कि फनकारी से मछली बेचते हैं। फूड फनकार, फूड फनकार, जबरदस्त हो गया। 25 साल हो गए तो फिर इनके इनके कमाल नहीं, इनके हाथों का कमाल होगा, है ना? इनके हाथों का कमाल है दोस्तों। ये मैं दिल्ली मर्केंटाइल सोसाइटी नंबर ब्लॉक नंबर 3 के पास गली के कॉर्नर पर वहीद मुराद की कॉपी वाले जबर हाजी गफ्फार के नीचे, हाजी गफ्फार कबाब वालों के नीचे शायद मछली वाला, शायद मछली वाला, हाजी गफ्फार के चरणों के नीचे, हाजी गफ्फार, ये हमारे मेडिकैम, हाजी गफ्फार के चरणों के नीचे, चरणों चरणों में बैठने वाले जबरदस्त जायके वाले मछली के शाहिद भाई। जबरदस्त, क्या चीज है ये जलेबा? अच्छा, जलेबी, जलेबी को जलेबा कर दिया बड़ा बना दिया है, पहले जलेबियां होती थी, ये जलेबी 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 जलेबी, और ये क्या है? ये मरती है, ये मरती होती है। हाँ, ये जलेबी जैसी होती है ये भी? होती तो ये पहले हमारी यहाँ छोटी चलती है ये। हाँ, बड़ी बनती भी है इतनी बड़ी। अच्छा, यहाँ छोटी चलती है दिल्ली वालों में। अच्छा, दिल्ली वालों में छोटी चलती है। हाँ, जबरदस्त हो गया ये दिल्ली, यानी कि एक ही चक में मार के खाने वाले, एक चक में एक ही खा लो। अच्छा, एक चक में एक खा लो, जबरदस्त। ये दिल्ली वाले एक ही चक में एक खाते, लेकिन ये दिल्ली वाला तो नहीं खाएगा ये एक चक में, नहीं खाएंगे। हो गया काम, हमारा काम भी हो गया।